जैसा कि आपको पता है कि चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 की जो लैंडिंग की असफलता के बाद ये कंसीव किया गया था, कि चंद्रयान 2 में आपको पता ही होगा कि एक ऑर्बिटर था और एक लैंडर था, और लैंडर के अंदर एक प्रज्ञान रोवर था। तो ऑर्बिटर तो बहुत अच्छी तरह कार्य कर रहा है पिछले 4 सालों से, और उसको लगभग 7 साल तक अच्छी तरह कार्य करता रहेगा, ऐसी हमारी आशा है। लेकिन जो 2019 में हमने जब सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया था, तो वो लैंडर ठीक तरह से उतर नहीं पाया था, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था। तो वो असफलता को देखते हुए फिर इसरो और भारत ने निर्णय किया कि हम एक चंद्रयान 3 मिशन भी करेंगे जो केवल लैंडिंग तक सीमित होगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए चंद्रयान 3 की कल्पना की गई थी, और 2019 से पूरा इसरो इसमें कार्यरत है, और लगभग ये पिछले 4 सालों की मेहनत के बाद हमने ये चंद्रयान 3 यान तैयार किया है, चंद्रयान 3, और उसमें एक प्रोपल्शन मॉड्यूल है और एक लैंडर मॉड्यूल है। तो पहले जो ऑर्बिटर था उसकी जगह पे अभी प्रोपल्शन मॉड्यूल है। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर को चंद्र की ऑर्बिट में ले जाएगा, और ले गया है, और उसका कार्य पूरी तरह से अभी समाप्त हो चुका है। लेकिन फिर भी उसमें जो प्रोपल्शन मॉड्यूल में काफी फ्यूल बचा है, तो उसके कारण वो लगभग 6 महीने तक तो मिनिमम कार्य करता रहेगा। चंद्र की 100 बाय 100 किलोमीटर ऑर्बिट में घूमेगा। जैसा कि आपको पता है कि 17 अगस्त को हमने ये प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल को अलग कर दिया है, और प्रोपल्शन मॉड्यूल अभी 100 बाय 100 किलोमीटर की कक्षा में घूमेगा, और वहां से उसमें एक पेलोड है वो पृथ्वी की ओर देखेगा, और उसके जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, पोलारोमेट्रिक स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करके जो लिविंग प्लेनेट कैसा होता है उसकी जानकारी हमको चंद्र के ऊपर से देता रहेगा। सर, 23 अगस्त को लैंडिंग प्रोसेस कितनी ऊंचाई से शुरू होगी और लैंडर की स्पीड क्या रहेगी? तो जैसा कि मैं बता रहा था कि प्रोपल्शन मॉड्यूल तो चंद्र की कक्षा में घूमता रहेगा, और साथ में उसके साथ जो लैंडर मॉड्यूल है जिसको कि हम सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो वह 17 अगस्त को लगभग 157 बाय 167 किलोमीटर की कक्षा में था। वो अभी 113 बाय 113 की ऑर्बिट में घूम रहा है, और उसको 100 बाय 30 किलोमीटर की ऑर्बिट में जाने के बाद 23 अगस्त को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से वह नीचे की ओर प्रयाण करेगा। सर, लैंडिंग में कितनी मुश्किल हो सकती है, और यदि 23 तारीख को कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो क्या होगा सर? तो 30 किलोमीटर की एल्टीट्यूड या हाइट से लैंडर नीचे की ओर चंद्र की सतह पर जाने का प्रयास करेगा 23 अगस्त को, और उसके 2 घंटे पहले हम पूरे जो कमांड है वो यहाँ से जो हमारा बाइलालू अर्थ स्टेशन है वहां से अपलोड कर देंगे लैंडर मॉड्यूल के अंदर। और उसके बाद जो लैंडर मॉड्यूल की हेल्थ चेकिंग, टेलीमेट्री और चंद्र में जो स्थिति है उसको सबको ध्यान में रखते हुए लगभग 2 घंटे पहले हम ये निर्णय लेंगे कि उस दिन चंद्र पे उतरण करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अगर मेरे ख्याल से कोई और मुश्किल तो आने वाली है नहीं, और हम पूर्णतया 23 अगस्त को ही चंद्र पे उतरने का प्रयास करेंगे। बट अगर कोई हमको ऐसा कुछ ऐसा आपत्तिजनक लगता है तो हम लैंडिंग को पोस्टपोन करके 27 अगस्त को करेंगे। तो उसके लिए भी हमने पूरा सावधानी बरती है, और उसके लिए जो भी कार्य करना है वो जो सब प्रणाली है वो सब भी तैयार रखी है। तो हम जो मोस्ट प्रोबेबली हम 23 अगस्त को ही उतरण करेंगे, अन्यथा 27 अगस्त को। और 23 अगस्त को 30 किलोमीटर की हाइट से वो लैंडर नीचे उतरने का प्रयास करेगा। और उसकी जो वेलोसिटी होगी 30 किलोमीटर की हाइट पे वो लगभग 1.68 किलोमीटर पर सेकंड, जो काफी गति मानी जाती है, स्पीड मानी जाती है, उससे वो नीचे की ओर प्रयाण करेगा। और जैसा कि आपको पता है चंद्र का जो गुरुत्वाकर्षण है वो उसको नीचे की ओर खींचेगा। तो उसके बाद वो इसलिए हमको जो थ्रस्टर इंजन है उसको रेट्रोफायर करना पड़ेगा, जिससे कि उसकी स्पीड कम होती जाए, और धीरे धीरे जब चंद्र की सतह पर पहुंचेगा तब लगभग जीरो स्पीड हो जाएगी उसकी। तो उसके लिए हमको इंजन थ्रस्टर फायर करेंगे। तो ऐसे 4 थ्रस्टर इंजन हमने लगाए हुए हैं लैंडर मॉड्यूल में। तो पहले 30 किलोमीटर से वो 7.5 किलोमीटर पे आएगा, वहां से 6.8 किलोमीटर पे आएगा, उसके बाद
वो दो इंजन हम बंद कर देंगे और फिर दो इंजन से ही नीचे की ओर प्रयाण करेगा, जो दो इंजन उसको रिवर्स थ्रस्ट देंगे, जिसके कारण जैसे कि मैंने बताया जब 30 किलोमीटर पे था उसकी गति 1.68 किलोमीटर पर सेकंड थी, वो 6.8 किलोमीटर तक आते आते 350 मीटर पर सेकंड तक हो जाएगी, यानी कि 4 गुना कम हो जाएगी। उसी तरह वो 6.8 किलोमीटर से फिर 800 मीटर तक आएगा और तब लगभग उसकी स्पीड जो है वो 0 मीटर पर सेकंड जैसी हो जाएगी, और उसके बाद सीधे 150 मीटर तक नीचे प्रयाण करेगा, जिसको वर्टिकल डिसेंट बोलते हैं। और उसके बाद अन्य जो हमने सेंसर और कैमरा लगाया है उसके इनपुट लेके और उसमें जो रेफरेंस डेटा स्टोर किया गया है, रेफरेंस इमेजेस, उससे उसको कंपेयर करके वो डिसाइड करेगा, वो निश्चित करेगा कि वो जो जगह पे लैंडर खड़ा है वहां पे घूम रहा है वो उसके सीधा नीचे उतरने से वो सही जगह पे लैंडिंग कर पाएगा। अगर उसको लगता है कि ये जगह अनुकूल नहीं है तो थोड़ा एक्स वाई डायरेक्शन में प्रयाण करेगा, थोड़ा दाईं ओर या बाईं ओर मुड़ेगा और लगभग 60 किलोमीटर 60 मीटर तक जाएगा और उसके बाद सीधा नीचे प्रयाण करेगा। तो ये दोनों सीनेरियो हमने प्रोग्राम किए हुए हैं, और अगर उसको लगता है कि वो बिल्कुल ही अलग जगह पे पहुंच गया जिसकी संभावना काफी कम है, बट तो भी हमने उसके लिए जो बोलते हैं कि साल्वेज मोड, एक इमरजेंसी मोड भी रखा हुआ है जो उसको ऑटोमेटिक लैंडिंग की ओर ले जाएगा, जिसमें वो खुद ही निर्णय करेगा कि कौन सी जगह श्रेष्ठ है उतरने के लिए। क्योंकि आपको पता होगा कि हम साउथ पोल यानी कि जो चंद्र के दक्षिण ध्रुव की ओर जा रहे हैं, कि वहां की जमीन बहुत ही उबड़ खाबड़ है, उसमें काफी क्रेटर्स और बोल्डर्स है, तो जमीन उतनी सपाट जमीन नहीं है जो कि विषुवत वृत्त पे पाई जाती है। तो बाकी जो भी लैंडिंग हुए हैं दूसरे देशों द्वारा, अमेरिका या चीन या रशिया द्वारा, वो सब लैंडिंग विषुवत वृत्त पे हुए चंद्र के, जहाँ की जमीन काफी सीधी और सपाट जमीन है, तो उसमें उतरना रिलेटिवली बहुत ही इजी रहता है। बट उसको छोड़ के हमने साउथ पोल की ओर प्रयाण किया है 70 डिग्री लेटिट्यूड पे, और जो जहाँ की जमीन काफी उबड़ खाबड़ है, हेजार्डस है जिसको कहा जाए, तो उस जमीन में से हमको एक सपाट एरिया फाइंड आउट करना है, जो एरिया जिसमें उतनी उबड़ खाबड़ जमीन ना हो, तो वो फाइंड करने के लिए हमने 4x2.4 किलोमीटर का एक एरिया आइडेंटिफाई किया है, लैंडिंग साइट जिसको बोलते हैं, और उसमें उसको अलग अलग 24 मीटर के भागों में डिवाइड कर दिया गया है, तो और उसमें से एक जगह पे हम उत्तरायण करेंगे, यहाँ पे नीचे प्रक्षेपण करेंगे, और जैसे कि मैंने बताया वो जगह अगर ठीक नहीं है तो थोड़ी उसमें से ही लगभग 3,900 ऐसी सब इमेजेस हमने स्टोर करके रखी है, उसमें से जैसा कि मैंने बताया वो 800 मीटर से सीधा नीचे वहीं पे उतर जाएगा, और खासकर वही आइडियल साइट है हमारे लिए, बट कुछ अगर थोड़ा बहुत जरूरत पड़ी तो थोड़ी साइड में खिसक के दूसरी एक साइट पे जाएगा जो भी रिलेटिवली सेफ साइड रहेगी। और जैसा कि मैंने बताया अगर 23 अगस्त को हम उत्तरण का प्रयास नहीं करते और 27 अगस्त को करते हैं तो वो लगभग जो मेन साइट है उससे 400 से 450 किलोमीटर दूर रहेगी, यानी कि अहमदाबाद के बदले हम बंबई में उत्तरायण करेंगे, उस प्रकार का सीनेरी होगा। बट वो साइट भी उतनी सही नहीं है जो पहली साइट है, बट फिर भी उसमें भी हम सफलतापूर्वक नीचे लैंडिंग करने में सफल हो जाएंगे, ऐसी हमारी पूरा कॉन्फिडेंस है। सर, चंद्रयान के सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान आखिरी 17 मिनट काफी महत्वपूर्ण रहे थे, जिसे टेस्ट 17 भी कहा जाता है, इन आखिरी 17 मिनट का क्या महत्व है? ये पूरा जो मैंने प्रक्रिया बताई 30 किलोमीटर से नीचे उतरने पहले 7.5, 6.8, फिर 800 मीटर, 800 मीटर से 150 मीटर, और फिर 150 मीटर से 30 मीटर और 10 मीटर, और फिर नीचे की ओर प्रयाण करके चंद्र की सतह पर उतरना, तो ये पूरा उसमें उसकी स्पीड रिड्यूस करते करते जो समय निकलेगा वो लगभग 17 मिनट और 21 सेकंड तक होगा, जो मिनिमम टाइम है, और जो मैक्सिमम टाइम है जैसे कि मैंने बताया थोड़ा खिसक के उतरना पड़ेगा तो 17 मिनट और 32 सेकंड लगेंगे, तो ये 17 मिनट्स ऑफ टेरर जिसको बोलते हैं, उस प्रकार की जो हमारे लिए क्रिटिकल हो या भयावह कह सकते हैं वो है, क्योंकि उसमें कोई भी गलती की संभावना भी रहती है, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ बैठे बैठे हम पूरा वो कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं लैंडर को नीचे उतारने का, तो उसमें कहीं अगर कुछ त्रुटि रह गई हो, जो कि ऐसी संभावना काफी कम है, बट फिर भी स्पेस आखिर रिस्की बिजनेस है, तो उसमें कुछ हम कह नहीं सकते, कोई भी सिस्टम में अगर माल फंक्शनिंग होता है या कुछ और प्रॉब्लम डेवलप होता है, बट इस बार हमने ये ध्यान रखा है कि हमारा जो डिजाइन है वो पूरा
फेलियर को ध्यान में रखी किया गया है कि जनरली हम डिजाइन करते हैं कि सक्सेस कैसे मिले, कि सफलता कैसे मिले, पर इस बार हमने यह ध्यान रखा है कि अगर निष्फलता के कोई संभावना रहती है तो उसको कैसे ओवरकम किया जाए, उसको कैसे पार करके हम फिर भी सफल हो पाए, इसी कड़ी क्षणों में भी हम प्रशिक्षण से पार उतरे, तो उसकी संभावना को देखते हुए डिजाइन किया गया है। और आप सबकी शुभकामनाओं शुभेच्छाओं से हमको संपूर्ण आशा है कि हम 23 अगस्त को देश में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। सफलतापूर्वक लैंडिंग होती है तो देश के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि होगी और इससे क्या फायदा होगा फ्यूचर में? आप ऐसे देखें तो सीधे सीधा कोई उतरने से हमको वैसा कोई फायदा, कुछ वहां से कोई खजाना मिलने वाला है ऐसा तो है नहीं। हम तो प्रयत्न कर रहे हैं कि वहां जाके हम लैंडिंग करें और उसके बाद उस वहां की जमीन पे एक्सपेरिमेंट करें, जिससे हमको पता लग पाए कि अगर वहां पे वाटर मॉलिक्यूल है, हाइड्रोक्सीन मॉलिक्यूल है, या सॉइल में और भी कोई मिनरल्स है, तो उसको भविष्य में वहां पे खुदान करके पृथ्वी पे लाना हो, और तो उस टाइप के सब जो एक्सपेरिमेंट है वो करने का हम प्रयास कर रहे हैं। बट तो इस तरह से देखें तो सीधे सीधा उतरने से हमको कुछ रातों रात कुछ फायदा मिलने वाला है नहीं, उससे तो हमारे प्रशिक्षण में सहायता मिलेगी और हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, वो बढ़ेगा। बट जो एक जो नॉन टेंजिबल इसका आउटपुट है, जो उसके उसका जो लाभ है, वो आप सबने भी देखा होगा। पिछले 40-50 दिनों से हम देख ही रहे हैं चंद्रयान के प्रक्षेपण के बाद, 14 जुलाई के बाद, कि लोगों में काफी उत्सुकता है और इवन छोटे बच्चों में और अनपढ़ लोगों में भी यह उत्सुकता है कि चंद्रयान कब वहां पहुंचेगा और ये चंद्रयान क्या है, उससे क्या फायदा होने वाला है, उससे विज्ञान में क्या हमको रुचि मिलेगी, उससे अन्य क्या रोचक तत्व हमको मिल पाएंगे। तो लोगों को विज्ञान और गणित के प्रति जो रुचि है वो बढ़ने लगी है, तो जिसको बोलते हैं देश का ओवरऑल जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो काफी ऊंचा हो रहा है, बढ़ रहा है। तो उसके कारण लोग जो अपने पुराने धक्कानुसी ख्याल है उससे बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि वैज्ञानिक सोच अगर लोगों में बढ़ती है तो उससे कई जो टेंजिबल और नॉन टेंजिबल फायदे हैं वो हमको भविष्य में देखने को मिलेंगे, और उसके कारण और कई बच्चे और कई जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो जनरली गणित और विज्ञान से डरते रहते हैं, तो उनको भी उसके प्रति रुचि जागृत होगी और वो सब लोग भी विज्ञान और गणित के प्रति और भी रुचि दिखाएंगे, और कई ज्यादा से ज्यादा हम वैज्ञानिक और साइंस और गणित पढ़े, मैथमेटिक्स पढ़े, ऐसे बच्चे तैयार कर पाएंगे जो देश के ओवरऑल निर्माण और डेवलपमेंट के लिए उसके लिए लाभकारक ही सिद्ध होने वाला है। अंतिम सवाल सर, अहमदाबाद इसरो का इस पूरे मिशन में क्या? जहां तक हमारे अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का सवाल है, अहमदाबाद में जो स्थित है, यहाँ पे हमारे 3 कैंपस है, आपको पता ही होगा, एक सैटेलाइट का मेन कैंपस है और भोपाल में 2 कैंपस है हमारे। तो इस केंद्र ने इस चंद्रयान 2 में और चंद्रयान 3 दोनों मिशनों में काफी योगदान दिया है, और चंद्रयान 3 की लगभग 11 प्रणालियां जो लैंडर के साथ सीधे सीधे संबंध रखती है, ऐसी 11 सिस्टम 11 प्रणालियों में हमारे केंद्र का योगदान है। उसमें लगभग 8 कैमरा सिस्टम्स हैं और एक रडार अल्टीमीटर सेंसर है, और उसके साथ साथ जो उसकी जो मेन प्रोसेसिंग सिस्टम है, जिसको उसका हृदय या तो उसका मस्तिष्क कहा जाएगा, ब्रेन कहा जाएगा, तो वो प्रोसेसिंग सिस्टम भी हमने यहाँ पे बनाई है, उसके एल्गोरिदम्स भी यहाँ पे डेवलप हुए हैं। तो जो भी हमको सेंसर से इनपुट मिलेंगे वो सब इनपुट लेके हम उसमें से ये सेंसर का इनपुट वो प्रोसेसिंग सिस्टम में जाएगा, और उससे जो लैंडर का मेन कंप्यूटिंग सिस्टम है जिसको कि एनजीसी कंप्यूटर कहते हैं, उसको जो कंट्रोल करने के लिए जो इनपुट चाहिए वो सब इनपुट ये सिस्टम से उसको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो जो सॉफ्ट लैंडिंग है उसमें रियल टाइम में एक तो सेंसिंग एलिमेंट्स और उसके साथ साथ उसके ऊपर से जो निर्णय करने हैं उसके बारे में पूरा योगदान ये हमारे केंद्र ने यहाँ पे दिया है। और जो दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि जो लैंडिंग साइट पे हम लैंडिंग करने वाले हैं तो वो लैंडिंग साइट का विश्लेषण भी हमारे वैज्ञानिकों ने यहाँ पे हमारे सेंटर में किया है। पहले से चंद्र की जो तस्वीरें हैं उसका अध्ययन करके हमने ये चुनाव किया कि कौन सी लैंडिंग साइट हमारे लिए उपयुक्त रहेगी, जहां पे हम सेफली जाके लैंड कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया चंद्र के ऊपर जमीन उतनी सीधी जमीन नहीं है, काफी क्रेटर और बोल्डर्स वहां पे शामिल है, तो उसी जमीन में से एक अच्छी जमीन ढूंढ के वहां पे उतरना
वो कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही कठिन कार्य है। तो पूरे चंद्र के तस्वीरों का उसको विश्लेषण करके, एनालिसिस करके और उसका स्टडी करके हमने जो चंद्रयान टू में भी निर्णय किया था और उसको और भी अच्छी तरह से विश्लेषण करके चंद्रयान तीन के लिए लैंडिंग साइट जो सिलेक्शन किया है वो सब कार्य हमारे सेंटर में हुआ है। तो इस तरह से हमारे केंद्र का बहुत ही काफी योगदान रहा है और अगर चंद्रयान तीन सफलतापूर्वक 23 अगस्त को लैंडिंग करेगा तो हमारे वैज्ञानिकों की, इस केंद्र के वैज्ञानिकों की सफलता के लिए मैं उनको बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगा।